चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूँ, सुबह से क्या रूटीन होना चाहिए। सुबह उठते ही थोड़ा पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, हनी डाला और पी गए। उससे क्या हुआ, एक बार को बॉडी चार्ज्ड अप हो गई। अब जो भी मैं कह रहा हूं, अब मजे की बात क्या है, इसका प्लस भी है माइनस भी है। जैसे आप नेट पे जाकर के पढ़ोगे ना सुबह हनी लेमन ड्रिंक पीने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो आपको फायदे भी मिलेंगे और नुकसान भी मिलेंगे। आपको क्या देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। समझ गए? मतलब न्यूट्रिशन में और हेल्थ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको समझना होता है अपनी खुद की बॉडी को कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इसको। जैसे मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद में जो भी अपने दिनचर्या के सुबह के काम होते हैं वो करे, ठीक है, ब्रश व्रश किया है जो भी होता है वो किया, उसके बाद में इमीडिएटली एक फ्रूट खाना है। ये मैं करता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना है। क्यों करता हूं? क्योंकि उस वक्त बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, बनाना, सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट टू ईट इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस पर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब अनार खाने लग गए तो हो गया काम आपका, लगे रहोगे एक घंटे तक। ये काम दादी करे तो अच्छा लगता है, ये दादी नानी के लिए छोड़ दो कि आज अनार खाने का बड़ा मन है, ले बेटा मैं लगी हुई हूँ, स्वेटर बुन रही हूँ और साथ साथ में ये है ना ये। लेकिन हम लोग ये इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम ये कह सके। तो मेरे लिए जो फेवरेट है दैट इज बनाना, उसके साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लो। जैसे फ्रूट के साथ में अगर आपने थोड़े से भीगे हुए बादाम खा लिए तो अब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक मील हो गई। आपकी बॉडी को आइडियली हर 3-3 घंटे में एक मील चाहिए। ये हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में सीधा लंच किया कितने घंटे बाद, उसके बाद में सीधा डिनर, और डिनर तक तो हम हफ्शी बन चुके होते हैं। हाँ, मर रहे होते हैं कि लाओ खाना लाओ। 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है। आपको कभी भी इतनी ज्यादा भूख नहीं लगनी चाहिए कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ। ये इसका लॉजिक है कि हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है। उसके बाद में पार्क चला गया 10 से 15 मिनट वॉक के लिए। अब वहां पर जाकर के क्या करना है वो अंदर से आ रहा होता है। कभी होता है कि बैठ करके आराम से लोगों को देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ। कभी है स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, कभी है कि कुछ बेसिक से पुशअप्स करने का मन कर रहा तो पुशअप्स कर लिया। मतलब कोई रूटीन नहीं है, आप समझिए। रूटीन ये है कि मुझे डेली जाना है 15 मिनट के लिए, लेकिन ये नहीं है कि वहां पर जाकर के क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि वो बोरिंग नहीं होता कभी भी, क्योंकि रोज कुछ अलग हो रहा होता है। बट यही अगर मैं कहूँ कि मुझे डेली पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट रहना है, इट गेट्स सो बोरिंग, आपका मन ही नहीं करेगा अगले दिन जाने। तो मुझे रोज मजा आता है, रोज मैं कुछ अलग देख रहा होता हूँ। और आपको अब इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसको याद रखना है, डू मी मैकेनिकल अबाउट इट, कि वो करता है तो मैं भी यही करूंगा, मैं भी यही करूंगी। अपनी बॉडी को समझना है कि ये करने से आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो क्या किया, फ्रूट्स खाए, उसके साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाए, उसके बाद में थोड़ी देर वॉक किया, क्योंकि खाते एकदम से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आराम आराम से वॉक किया। उसकी भी कोई पैटर्न नहीं है कि रोज यही करना है, कभी बैठा हुआ हूँ, कभी मन कर रहा है तो पार्क में एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, कभी नहीं भी कर रहा हूँ, कभी सिर्फ चल रहा हूँ, कभी तेज चल रहा हूँ, कभी धीरे चल रहा हूँ, कभी जॉगिंग कर रहा हूँ। समझ गए? कोई पैटर्न नहीं है, रूटीन है। रूटीन जरूरी है कि हाँ डेली 15 मिनट जाना है तो जाना है। वहां पर भी कोई लकीर का फकीर नहीं हो कि इतने बजे जाना है तो इतने बजे जाना है, इतने बजे नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी जल्दी भी चला गया कभी लेट भी चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, वापस आया अपने घर पर, आकर के योगा किया अराउंड 20 से 25 मिनट। योगा के साथ में मैंने कुछ और चीजें हैं उसको मिक्स किया हुआ है। मतलब बेसिकली वहां पर क्या करना होता है, पहले मसल्स को स्ट्रेच करना होता है, उसके बाद में मसल की स्ट्रेंथनिंग की कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो अपने घर में मैंने एक रॉड लगवाई हुई है, 2 छोटे-छोटे डंबल्स रखे हुए हैं। कोशिश करता हूँ कुछ वेरिएशन करने की, कुछ इंप्रूव करने की, कुछ डिफरेंट करने की, कुछ क्रिएटिव करने की, तो उसमें भी मजा आ रहा होता है, तो योगा इंटरेस्टिंग हो जाता है। करता अकेला हूँ, किसी के साथ में नहीं करता हूँ। उसके बाद में कुछ देर के लिए साइलेंटली बैठ जाता हूँ और देखता हूँ अंदर क्या थॉट चल रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था ना, 10 मिनट के लिए हमें पता तो होना चाहिए हमारे अंदर क्या चल रहा है। आपको सब पता है कि बाहर क्या चल रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू, टीवी में, अखबारों में, आपको सब पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको सब पता है दीपिका पादुकोण की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद में किया ब्रेकफास्ट एट अराउंड 9 और 9:30, वहां पर भी कोई फिक्स नहीं है बट 9 से 9:30 के बीच में मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मस्ट बी हैवी, वो सबसे हैवी मील होनी चाहिए आपकी। ज्यादा खाने से आप ये मत समझो कि आप मोटे होते हो, सही ना खाने से आप मोटे होते हो। मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, अगर आप कभी मेरी डाइट आकर के देखोगे तो आप डर जाओगे, कहोगे ये क्या हो रहा है। बट हेल्दी खाता हूँ, जैसे ओट्स उपमा, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, ओट्स उपमा, दैट इज वेरी हेल्दी।
उसमें कुछ आप वेजिटेबल्स डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, मेरे को खुद को भी कुकिंग आती है बेसिक सी, तो अगर घर पे कोई नहीं होता है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। ऐसे ही डेली चेंज होता रहता है, कभी ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा दिया वो ले लिया, नॉर्मल बटर से पीनट बटर बेटर है, ठीक है। इस तरह से कभी पोहा ले लिया, कभी बेसन का चीला ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है, अपना जो ये बेसिक जो फूड है ना वो कमाल का है, उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत तगड़ा है। जैसे बेसन का चीला बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो ब्रेकफास्ट के साथ में मैं क्या लेता हूँ, मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, बट नॉट वे प्रोटीन। मैं ब्रांड बताऊंगा तो ऐसे लगेगा मार्केटिंग हो रही है, बट आप कोई भी ले सकते हो जिससे मसल्स बनती है, जिससे हेयर लिंक्ड है, स्किन, मतलब सब कुछ ही लिंक्ड है उससे। और बहुत ज़रूरी है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए। एक दिन में जितना आपका बॉडी वेट है उसके आसपास आपको प्रोटीन लेना है। उसके लिए भी लोग बोलते हैं इतने टाइम्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पर उसके थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। तो 70 अगर आपका वेट है तो मिनिमम आपको 50 ग्राम तो लेना ही लेना है अपने सर्वाइवल के लिए। लोग इतना भी नहीं लेते हैं, उल्टी सीधी डाइट खा रहे होते हैं। और चीज़ों को मिक्स किया जाता है, जैसे इंडिया में खिचड़ी बहुत चलती है तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें दाल को और चावल को मिक्स किया जा रहा है। तो चावल में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो दाल में नहीं है, दाल में कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो चावल में नहीं है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा ये सब चीजें, चल रहा है, काम का लग रहा है, भूख लग गई, भूख लग गई, बगाए पाजी छोले भटूरे। उसके बाद में 12 बजे के आसपास, 12:15 बजे के आसपास में आई टेक एन एप्पल। वो एप्पल मैं अपने साथ में ऑफिस ले जाता हूँ, तो एक डब्बे में एप्पल डाला ले गया, या कभी कोई दूसरा फ्रूट ले गया। फ्रूट से क्या मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। बॉडी के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ कार्ब, प्रोटीन और फैट जरूरी नहीं है, फाइबर भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में लंच किया नियर अबाउट 2 बजे के आसपास। लंच में मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा सैलेड लेता हूँ, ये हम गलती करते हैं, ये हम नहीं लेते हैं। सैलेड में बेस्ट क्या है, खीरा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और किसी दिन आप घर पे हो, छुट्टी का दिन है तो मूली भी खा सकते हो, ऑफिस में अवॉइड करो। तो साथ में थोड़ा सा मिक्स वेज ले लिया, 2 रोटियां, साथ में 2 कटोरी दाल हो गई, रोज अलग अलग टाइप की दाल हो गई, कभी राजमा हो गया, कभी छोले हो गए, कभी कुछ भी, रोज अलग अलग। उसके बाद में 5 बजे के आसपास में अखरोट खा लिए 4-5, बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं यहाँ पे 5 बजे। ये सिर्फ इसलिए है कि एक बार आप फिलअप हो जाओ, माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है कि मुझे कुछ मिलता जा रहा है, आई एम नॉट क्रेविंग। आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली ऐसी प्रोग्राम्ड हो जाएगा कि ये जो बंदा है ये मुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। आपके माइंड को पता होता है, नहीं तो अगर माइंड को ये लगा कि ये तो मुझे भूखा मारता है, लंच करता है उसके बाद में 8 घंटे तक खाता ही नहीं है, तो माइंड क्या करेगा, बॉडी में फैट को प्रिजर्व करना शुरू कर देगा। तो आपको समझ नहीं आएगा मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ या मोटी क्यों हो रही हूँ। आप इसलिए मोटे हो रहे हो क्योंकि आप कम खा रहे हो, गैप बहुत ज्यादा है। हर 3-3 घंटे में खाते रहोगे तो माइंड को सिग्नल मिलता रहेगा, माइंड आराम से रिलैक्स रहेगा। बट सर पतले भी तो हो जाते हैं, आप 8 घंटे भी खाओ तो, मैं तो होती हूं। वो पतला होना किसी काम का नहीं है, वहीं से मैंने सेशन को शुरू किया ना कि एक है आप बाहर से फिट दिखो, एक है अंदर से फिट हो और एक्टिव भी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यू मस्ट फील एक्टिव। उसके बाद में क्या किया, डिनर का जितनी जल्दी करो उतना बेटर है, मैं 7 बजे से पहले कर लेता हूँ। डिनर जो है वो सबसे हल्का होना चाहिए, आपका जो भी फिटनेस लेवल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन डिनर से है। इसकी एक कहावत भी है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, कहते हैं कि जैसे सुबह खाओ तो राजा की तरह, रात को खाओ भिखारी की तरह। भिखारी ऐसा जिसको ज्यादा भीख नहीं मिली है, है ना, नहीं तो आप कहोगे नहीं भिखारी को आज राजा से भीख मिली है, तो दावत है। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, इससे डायरेक्टली कनेक्शन है आपकी हेल्थ का। डिनर लोगों का सबसे हैवी हो रहा है और सबसे लेट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, डिनर जल्दी से जल्दी और लाइट से लाइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, रात को दूध पी सकते हो, दूध ही पीते तो बढ़िया हो गया। भूख लग रही तो 1 गिलास की बजाय 2 गिलास दूध पी जाओ गरम रात को, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कैलोरीज नहीं है। मेन शुगर के अंदर आ रही है कैलोरीज, 2 चम्मच भर के डाल दी, मान लो 15 ग्राम की 1 चम्मच है, 2 चम्मच हो गई 30 ग्राम, इंटू 4 कर दो, दैट मीन्स 120 कैलोरीज आपकी शुगर के थ्रू आ रही है। इनफैक्ट जो भी व्हाइट चीजें हैं ना, अभी सुनने में अजीब लगेगा, उसको व्हाइट पॉइजन भी बोलते हैं, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट ब्रेड, राइट। तो ये व्हाइट से थोड़ा सा दूर रहो। तो बजाय चीनी डालने के, और चीनी से आपको एकदम से एनर्जी मिली और एकदम से एनर्जी गिरी, आपको क्या चाहिए, पूरी रात आप थको नहीं, सुबह फ्रेश उठो, तो 1 गिलास की बजाय 2 गिलास पी लो, फीका दूध पीना शुरू कर दो। फीका आपको लग रहा है लेकिन फीका होता नहीं है, उसमें भी शुगर होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें शुगर ना हो, शुगर क्या है, कार्ब्स है।
ऐसा कुछ नहीं है जो आप खा रहे हो जिसमें शुगर ना हो। बॉडी अल्टीमेटली उसको एनर्जी में ही कन्वर्ट करती है। तो एक तो है कि आप शुगर से एनर्जी लो, एकदम से एनर्जी मिलेगी, एकदम से गिरेगी, फिर आपको भूख लग जाएगी, फिर चिप्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हो, होता है। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, आपने 7 बजे डिनर किया या 8 बजे डिनर किया, 10 बजे एक गिलास दूध पी लिया फीका, धीरे धीरे आदत डालोगे तो फीका ही अच्छा लगने लग जाएगा कुछ दिनों बाद, फिर मीठा अच्छा ही नहीं लगेगा। उसके बाद में और 1 घंटे बाद एक गिलास और पी लिया, खत्म, पेट फुल, कैलोरीज उतनी ही गई बल्कि उससे कम गई। समझ गए, प्रोटीन खाना सही होता है, बहुत बढ़िया होता है, रात को प्रोटीन खाना अच्छा होता है, प्रोटीन ऐसा जो थोड़ा धीरे रिलीज हो, एक होता है फास्ट रिलीजिंग प्रोटीन, एक होता है स्लो रिलीजिंग प्रोटीन। तो दूध के अंदर क्या होता है, कैसीन होता है, तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है, तो रात को हमारी बॉडी को जो रिपेयर वर्क होता है आपकी पूरी बॉडी का, वो रात को हो रहा होता है। तो रात के लिए इट इज एक्सट्रीमली गुड कि अगर आप रात को प्रोटीन लेते हो तो। उससे एक और बेनिफिट क्या होता है, एक तो नींद अच्छी आती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, सुबह आप पूरी एनर्जी के साथ उठते हो। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, इसमें फाइबर भी आ गया, पानी का आप 8 से 10 ग्लास पी सकते हो एक दिन में, और इसमें प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, अब कुछ भी छूटा नहीं है, इट इज अ बैलेंस्ड डाइट।